गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ और जा रही हूँ पनीर पराठा बनाने। तो मैंने सोचा आप सबसे भी एक रेसिपी शेयर कर देते हैं। तो चलिए अपने रेसिपी की तरफ। सो गाइस, यहाँ मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। 6 से 7 हमें प्याज लेना है। ये मैं प्याज ज़्यादा ली हूँ क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनाना है। यहाँ 6 से 7 हरी मिर्च लिया है और 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और बारीक कटी हुई धनिया ली हूँ। पनीर को कद्दूकस कर लेना है मुझे। आटा मैंने लिया है, पहले आटा को मैं गूँथ लूँगी। तो हाँ, मैं गाइस आटे में 1 कप दूध डालूँगी। इससे क्या होता है कि आटा जो होता है सॉफ्ट होता है, इससे आप रोटियां जब बनाती हो सारा सारा दिन नरम रहती हैं। तो यहाँ थोड़ा सा मैं ऑयल डाल रही हूँ, थोड़ी सी मुझे नमक डालना है। सो गाइस, मैं यहाँ नमक डाल दे रही हूँ और अभी इसको अच्छे से मिला लूँगी। और मिलाने के बाद मुझे नॉर्मल पानी से गूँथ लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर आटा गूँथ लिया है। इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देना है मुझे सेट होने के लिए। और जब तक ये सेट हो रहा है, मैं पनीर को कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैं कद्दूकस से पनीर को अच्छे से कस ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे कद्दूकस कर लिए हैं पनीर को। अब मैं यहाँ पर प्याज को बारीक बारीक काट लूँगी। हमें खूब बारीक काटना है प्याज को। सो यहाँ मैंने बारीक प्याज काट ली है गाइस, खूब बारीक चॉप किया है मैंने। और यहाँ पनीर तो मैंने कद्दूकस कर लिया ही था। और यहाँ बारीक कटी हुई फ्रेश हरी धनिया ले ली हूँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने खूब बारीक कस लिया है। और लहसुन को भी मैंने बहुत बारीक से काटा है गाइस, और हरी मिर्च को भी बहुत बारीक से काटा है। तो इन सभी को हमें पनीर में मिला देना है, इन सारी चीज़ों को। और हमें 1 स्पून चाट मसाला लेना है, 1 स्पून गरम मसाला लेना है, 1 छोटी स्पून मुझे जीरा पाउडर लेना है। इन सबको हमें अच्छे से मिला लेना है। और स्वाद अनुसार हमें नमक लेना है क्योंकि आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, तो हमें नमक थोड़ा कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा मिक्स हो गया है गाइस, मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मेरा आटा भी 5 मिनट से 6 मिनट 7 मिनट हो चुका है। आटा को भी हमारे रखे हुए सेट होने में। यहाँ मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस को कर दी ऑन और मैंने गैस पे तवा चढ़ा दी हूँ। अब बना लेती हूँ लोइयाँ। मुझे आटा ऐसे ही रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए। आटा हमारा मुलायम और सॉफ्ट आटा है, हमें इसे लोइयाँ बना लेना है। सो गैस, मैंने यहाँ 4 लोइयाँ बना ली हैं। 1 लोई उठाकर मैंने कटोरी जैसा बनाकर उसमें भर के इस तरह से इसको दबा देना है। बेल कर इस तरह से बनाया है। इस 2 स्टेप मैं जानती हूँ, तो दोनों स्टेप आप लोगों को बता दिए। हाँ, तवा मेरा गर्म हो चुका है और तवे पे मैंने घी लगा दिया है। घी मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ पनीर के पराठे में, क्योंकि इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है गैस, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। देसी घी चाहे जो भी चीज़ बनाओ अच्छा तो लगता ही गैस। यहाँ मैंने रोटी को ही कुछ सेकंड के लिए नीचे सेक लिया था, और आधा सेकंड के लिए मैं जब ये नीचे पक जाएगा आधा सेकंड में, तो इसको भी पलट देंगे। कई 2-3 बार मुझे पलट के सेकना है इसको कि, और गैस को हमें लो मीडियम ही रखना है क्योंकि अंदर से अच्छे से सिज जाता है तो गैस बहुत ही अच्छा लगता है। तो पराठा हमारा फूल गया था गाइस, हमारी चिमटी से थोड़ा सा लग गया था, इस वजह से नहीं दिख रहा होगा और उसका हवा निकलता जा रहा है अंदर से। बाकी तो अच्छे से पराठा सीख गया है मेरा, दोनों तरफ मैंने अच्छे से सीख लिया है।
और मैंने बगल बगल भी दबा दिया है जहाँ से हवा निकल रहा है कि अब भी फूल जाए तो पता नहीं कहाँ से फटा कि समझ में नहीं आ रहा है। तो हाँ, एक पराठा हमारा सिक गया है, अब मैं दूसरा पराठा डाल दे रही हूँ। गाइस, मेरा ये भी बन गया है, आप देख रहे हो ना, बहुत ही सुंदर पराठा बना है गाइस। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इसको भी, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पराठा आप सबका कैसा बना है। लेकिन हाँ गाइस, ध्यान रखिए कि इसको संभाल के हमको डालना है और संभाल के ही पलटना है, क्योंकि ये फटता है बहुत जल्दी। मैंने इसमें दूध भी और थोड़ा सा ऑयल भी डाला है मुलायम होने खातिर, क्रिस्पी आता है इससे। तो मैं यहाँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए दे रही हूँ, यहाँ तुलसी दल रख रही हूँ, और ये भोग आप दही और मिक्स अचार के साथ आराम से खा सकते हो। सुबह का नाश्ता रेडी हो गया है। सो गाइस, पराठा बन गया है, आप सब भी खा लीजिए, पराठा बहुत ही टेस्टी बना है गाइस। तो ये आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।